दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश मनोठिया। मैं दरबारी लाल डीएवी मॉडल स्कूल शालीमार बाग का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक महान साहित्यकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखने वाले संवेदनशील लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर आधारित एक रिपोर्टाज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। 300 से अधिक कहानियां और कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखने वाले प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। यूं तो हिंदी साहित्य कई साहित्यकारों की रचनाओं से सुशोभित है, परंतु उनमें प्रेमचंद की रचनाएं मील का पत्थर साबित हुई हैं। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी साहित्य में तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यासों की प्रधानता थी, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों से ही उपन्यास विधा का क्रमबद्ध विकास होता है। प्रेमचंद के अधिकतर उपन्यास चरित्र प्रधान थे, जिनमें से अधिकतर में समाज के हाशिए के चरित्रों को केंद्र में रखा गया है। प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में प्रतिज्ञा और वरदान है, जिन्हें प्रेमचंद ने प्रारंभिक काल में लिखा था। दूसरी श्रेणी के उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला और गबन है, जिनमें प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को उभारा है। तीसरी श्रेणी के उपन्यासों में प्रेमाश्रय, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान है। प्रेमचंद के इन उपन्यासों में कहीं दहेज प्रथा का विरोध है तो कहीं आभूषण की लालसा और उसके दुष्परिणामों को दिखाया गया है। कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प में भारतीय तत्कालीन राजनीति की स्पष्ट छाप नजर आती है। इन उपन्यासों में अंग्रेजी सत्ता और उसके विरोध में चल रहे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और समाज सुधार की स्पष्ट झलक नजर आती है। प्रेमाश्रय उपन्यास में कृषक जीवन और तत्कालीन जमींदारी प्रथा की विडंबना को दिखाया गया है। गोदान, जो प्रेमचंद का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है, जिसे विद्वानों ने ग्राम्य जीवन के महाकाव्य की संज्ञा दी है, जिसमें होरी के माध्यम से किसान जीवन की परेशानियों को दिखाया गया है। एक किसान और उसका परिवार किन किन परेशानियों को झेलता है, यह इस उपन्यास में स्पष्ट नजर आता है। एक तरह से प्रेमचंद के सभी उपन्यास हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में आदर्शवाद का रास्ता अपनाने के बाद धीरे धीरे प्रेमचंद का रूख यथार्थवाद की तरफ मुड़ा और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में हमें अपने भारतीय समाज की झांकी देखने को मिली। संक्षेप में, प्रेमचंद के सभी उपन्यास भारतीय यथार्थ जीवन का एक ऐसा प्रतिबिंब है जिनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना चरित्र झांकता हुआ नजर आ जाएगा। धन्यवाद।